हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुना मटन मसाला, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा एक बार देख लेते हैं। सूखा लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 अक्खा लहसुन, प्याज जिसे मैंने लंबे साइज में कट किया है, सरसों का तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। सूखा गरम मसाला में मैंने लिया है जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। और मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो मटन, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले गैस को कर लीजिए ऑन और एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालिए जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, सूखा लाल मिर्च और खड़ा गरम मसाला, और इसे हमें थोड़ी देर भून लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो इस तरह से हमें प्याज को डालकर इसे चला लेना है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा नमक, जिससे प्याज का मीठापन कम हो जाएगा। प्याज यहाँ पर बिल्कुल भून चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 2 लहसुन और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लूंगी। अब मैं यहाँ पर सूखा मसाला डालूंगी, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर, और इन्हें भी डालकर हमें अच्छे से भून लेना है। इस तरह से चलाते रहना है। तो मसाला यहाँ पर बिल्कुल भून चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मटन, और मटन डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है, नमक स्वादानुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें ढक देना है। हमें पानी बिल्कुल नहीं यहाँ पर डालना है, जब ज़रूरत हो तभी हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो इस तरह से हमें इसको ढक देना है और ढककर बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है। इसे पकाने में 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम जाएगा। तो देखिए मटन यहाँ पर धीरे धीरे बिल्कुल पक चुका है और ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो मैं यहाँ पर फिर से ढक दूंगी। अभी मटन बिल्कुल भून चुका है यहाँ पर और पक भी चुका है बहुत अच्छे से, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो गैस को कर दीजिए बंद। तो ये लो जी, हमारा देसी मटन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है, और इसे आप फुलके और पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं इसे जल्दी से खाने जा रही हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।